हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभी सेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभी सेक। अभी जिस वैकेंसी की हम बात करने वाले हैं ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की वैकेंसी है। ये वैकेंसीज निकाली गई थी अगस्त में, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुई थी 20 अगस्त 2022 से, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके लिए जो लास्ट डेट थी वो 19 सितंबर 2022 थी। तो होप कि आप लोगों ने अप्लाई करा होगा इसके लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके एग्जामिनेशन डेट्स की, साथ ही साथ इसकी जो एग्जामिनेशन प्रोसेस होती है वो किस प्रकार की होती है और कैसे आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। इन सभी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हम लोग। इसमें दो वैकेंसीज हैं, एक रेडियो ऑपरेटर की और एक हेड कॉन्स्टेबल जो कि रेडियो मैकेनिक की। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज की। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट, अलग अलग कैटेगरीज ये करके यहाँ पे वैकेंसीज दी गई हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो भी हैं और कोटा क्या है, किस तरीके से है, वो सब कुछ आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चल आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि रिक्रूटमेंट डेट्स क्या है। फर्स्ट फेज जो है, ये फर्स्ट फेज इसका जो है ये रिटन टेस्ट होगी, ओएमआर बेस्ड। ओएमआर समझ रहे हो ना, मतलब ऑफलाइन एग्जाम होगी आपकी। 20 नवंबर 2022 संडे को 9 बजे से लेकर और सुबह के 11 बजे तक। ठीक है, और दूसरी बार 20 नवंबर को ही आपकी दूसरी भी एग्जामिनेशन होगी, मतलब दूसरा शिफ्ट होगा 14 यानी कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। ठीक है, 1600 आवर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, चेकआउट कर सकते हो आप। ठीक है, इसमें क्या होगा, एचसी हेड कांस्टेबल आरओ का होगा और हेड कांस्टेबल आरएम का होगा, ये दोनों अलग अलग है, चेकआउट कर सकते हो आप। ठीक है, ओएमआर सीट दी जाएगी। ठीक है, और वो जो है कैरी नहीं कर सकते हो आप, आंसर की अपलोड की जाएगी बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और जो भी प्रोसेस होगी वो सभी इस वेबसाइट पे होगी जो आपकी स्क्रीन पर है, इसी पे आपको सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, ये यहाँ पे आपका होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड फेज की, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसमें पीएसटी, पीईटी एंड डॉक्यूमेंटेशन ये आपका होने वाला है, यानी पीएसटी, पीईटी और डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ एक ही साथ 16 जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स ये आपका यहाँ पे होने वाला है। जो भी लोग फेज वन को क्लियर करेंगे वो जाएंगे फेज टू में। फिर डिक्टेशन टेस्ट होगी, पैराग्राफ रीडिंग कराई जाएगी आपके लिए, तो वो भी होने वाली है। थर्ड फेज क्या होगा, ये डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन 15 फरवरी 2023 ऑनवर्ड से ये शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये डेट्स जो है ये टेंटेटिव हैं, ये यहाँ स्टार लगाकर आप देख सकते हैं दिया गया है, डेट्स आर टेंटेटिव। डीजी बीएसएफ हैज द राइट्स टू चेंज और अल्टर दीज डेट्स एट एनी स्टेज, यानी कि डीजी जो बीएसएफ के हैं डायरेक्टर जनरल, उनके पास ये राइट्स हैं कि वो कभी भी इन डेट्स को चेंज कर सकते हैं किसी भी स्टेज में। फाइनल रिजल्ट की बात करें हम, तो उसके लिए जो फाइनल रिजल्ट होगी वो किस प्रकार से होगी वो समझ लो। अगर आप एच सी आर ओ के लिए, हेड कांस्टेबल आर ओ के लिए अप्लाई करते हो और उसके लिए जाते हो रेडियो ऑपरेटर के लिए, सिंपल सी बात, और दूसरा है रेडियो मैकेनिक, तो टोटल मार्क्स जो है वो ओएमआर टेस्ट पे 200 मार्क्स के होंगे और डिक्टेशन टेस्ट जो होगी वो आपकी 50 मार्क्स की। डिक्टेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, ये 250 हो गए टोटल, 200 प्लस 50 मार्क्स रिस्पेक्टिवली, और आरएम के लिए टोटल 200 मार्क्स की। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट किस तरीके से तैयार की जाएगी वो यहाँ अब ध्यान से आप देखना। ठीक है, कैंडिडेट्स हू स्कोर मोर मार्क्स इन टोटल विल बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट, इफ मार्क्स आर इक्वल देन प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट ओल्डर इन एज, यानी जिसकी एज ज्यादा होगी। अगर सेम मान लो आपके भी मार्क्स 110 मार्क्स होते हैं और सामने वाले के भी 110 होते हैं, लेकिन वो आपसे अगर एज में बड़ा है तो उसको चांस दिया जाएगा पहले। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे होने वाला है। जो एज लिमिट की बात की जाए तो एज तो आप देख सकते हो, आपने अप्लाई कर दिया, अब इसकी कोई वैल्यू रह नहीं गई है। अब आगे थोड़ा और बात कर लेते हैं कि और क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। एग्जामिनेशन के बारे में तो मैंने बता दिया, सिलेबस किस प्रकार का होगा, सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सिलेबस जो होगी ये एमसीक्यू टाइप रिटन एग्जाम होगी, 2 आवर्स का टाइमिंग आपको दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। फिजिक्स 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स के, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, केमिस्ट्री 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इंग्लिश एंड जीके 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। रिमार्क्स 10+2 इंटरमीडिएट ऑफ सीबीएसई स्टेट बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन, ये यहां से पूछा जाएगा फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, यानी पीसीएम के क्वेश्चन यही होंगे, यानी मैथमेटिक्स जो होगी आपकी टेक्निकल मैथमेटिक्स होगी। ठीक है,
और जो आपकी इंग्लिश एंड जीके होगी उसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस, ये सारा कुछ होगा, साथ में इंग्लिश भी होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे क्या होगी ये भी जान लो, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है, और अगर आप एक गलत कर देते हो तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके लिए जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रखे गए हैं, डायरेक्ट एंट्री के लिए देख लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, उसके लिए एग्जाम देते हो, 38% आपका होना चाहिए, यानी 200 में से 38 आपका होना ही जरूरी है। 38% 38 नहीं, यानी कि 38 का मल्टीप्लाई कर लो 2 से, कितना हो गया आपका 38 × 2 हो गया 76, तो 76 मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यू से हो तो क्वालिफाई करने के लिए। एससी एसटी से हो तो 33, यानी कि 66% मतलब 66 मार्क्स, 33%। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हाउ इब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई इन ओएमआर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट एंड फॉर द टू अपियर इन द नेक्स्ट फेज शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 20 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर रिक्रूटमेंट पोस्ट, यानी जितनी वैकेंसीज है आपको मैं बता देता हूँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग 1000 के आसपास है अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उसके 20 times लोगों को जो है सेलेक्ट करा जाएगा ओएमआर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पे, यानी 20,000 लोगों को लगभग बुलाएंगे ये, ठीक है। सेकंड फेज उसके बाद होगी अगर आप वो क्लियर कर लेते हो फर्स्ट तो। अब इसमें मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग है, हाइट भी अलग है, चेस्ट तो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए, वेट आपको पता है हाइट और एज के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। अब यहाँ फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो होती है आपकी, यानी पीईटी जो होती है, ये क्या होगी, इसमें अगर आप मेल हैं तो 1.6 किलोमीटर की रेस होगी जिसे कंप्लीट करना होगा 6.5 मिनट में, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं तो 800 मीटर की रेस होगी और कंप्लीट करना होगा 4 मिनट में। अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो 11 feet in 3 chances, 3 chances आपको दिए जाएंगे मेल है तो, 9 feet अगर फीमेल है तो 3 chances। हाई जंप की बात करें 3.5 feet 3 chances मेल के लिए, 3 feet 3 chances फीमेल के लिए, इस तरीके से यहाँ पे ये आपको मिलने वाला है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई किए जाएंगे, वो तो आपका सेकंड फेज में होगा, उस टाइम पे मैं आपको बता ही दूंगा। डिक्टेशन टेस्ट जो होगा वो क्या होगा, इसमें इंग्लिश राइटिंग होगी मिनिमम 100 words की, 50 marks की होगी ये, पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट होगी, क्वालिफाइंग इन नेचर होगी ये, क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द डिक्टेशन टेस्ट ये 38 होगी, 38% आपकी, यानी 38% आपका होना चाहिए, 50 मार्क्स जो है उसमें से 38% मार्क्स आपका आना चाहिए, तो 50 का 38 आप निकाल लेना, मैथ्स तो इतना जानते ही होंगे अगर इसके लिए अप्लाई करते हो तो, और 33% एससी एसटी के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी जान लो इवेल्युएशन कैसे होगा डिक्टेशन का, 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच ओमिशन मिस्टेक ऑफ सिंगल लेटर, अगर किसी सिंगल लेटर में आपका गलत होता है तो 0.5 मार्क्स, और 1 मार्क आपका दिया जाएगा हर एक वर्ड मिस्टेक ओमिशन के लिए कट किया जाएगा, वर्ड में अगर होता है तो, लेटर में होता है तो आपका 0.5 मार्क्स कट किया जाएगा, तो इस तरीके से ये होने वाला है, ठीक है। चलिए थर्ड फेज मेडिकल एग्जामिनेशन आपकी होगी, तो मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में आने वाले टाइम में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा वो चीजें, तो अभी आपके एग्जामिनेशन से लेकर ये सब चीजें लगभग फरवरी तक कंप्लीट हो जाएंगी, तो तैयार हो जाओ और आप इसके लिए अप्लाई कर ही दिए होंगे मुझे जहां तक उम्मीद है। बाकी जो भी डिटेल्स होंगे इसके रिगार्डिंग मैं बताऊंगा, तैयारी के लिए अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा, मैं कंटेंट भी इसका दे दूंगा आप लोगों को। बाकी कुछ और हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद, ध्यान रखो सब अपना।